नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नुपुर सिंह और वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आज अपने देश के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें कि उन्हें रविवार को ही भारत से रवाना होना था, लेकिन उनके विमान में अचानक कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उन्हें थोड़े और समय के लिए दिल्ली में ही रुकना पड़ा था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में 763 मौजूदा सांसदों की कुल संपत्ति 29,251 करोड़ रुपए है। प्रति सांसद सबसे अधिक औसत संपत्ति वाले राज्यों में तेलंगाना सबसे आगे है। राजद सुप्रीमो लालू यादव को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CBI को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। CBI ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को सूचित किया कि पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में एक ताजा आरोप पत्र के संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। प्रियंका गांधी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों शिमला, कुल्लू और मनाली व मंडी का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से फिर दोहराया कि हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया जाए। दिल्ली दंगों की साजिश मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद अभी जेल में ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक कर इस पर अभी तक कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे चेहरे पर खुशी झलका देता है। मणिपुर में नहीं थम रहा है विवाद। हमला में कुकी समुदाय के 3 लोगों को मारी गई गोली, जिससे उनकी मौत हो गई है। मोरक्को में 8 सितंबर को आए भूकंप में अब तक 2862 की जानें चली गई हैं, जहां लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए राहत बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। भूकंप का केंद्र मराकेश से लगभग 71 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में हाई एटलस पर्वत में था। इस क्षेत्र में आमतौर पर टेक्टोनिक प्लेटों के किनारों के पास अन्य जगहों की तुलना में कम भूकंप आते हैं, लेकिन यह भूकंप 100 साल का सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय दंड संहिता के तहत राजद्रोह के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया। वहीं कोर्ट ने राजद्रोह कानून की वैधता की जांच को स्थगित करने के केंद्र के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी के हाल में दिए बयानों को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भारत में पैंट टी शर्ट और विदेश में जाकर कुर्ता पजामा पहने, उसके लिए क्या कहा जा सकता है। VK सिंह ने आगे कहा, थोड़ा इंतजार करें, गुलाम जम्मू कश्मीर स्वतः भारत में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लखनऊ स्थित लोक भवन में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जहां कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बिहार शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच जारी विवाद पर विराम लग गया है, जहां CM नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक और मुख्य सचिव आमिर सुभानी को बुलाया। इस दौरान CM ने पहले विवाद को लेकर पूरी जानकारी ली और फिर दोनों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दिल्ली में भारत मंडपम की खूबसूरती कर रही है सभी को आकर्षित। सम्मेलन के बाद दीदार करने पहुंच रहे हैं काफी लोग, सेल्फी लेकर कर रहे हैं पोस्ट। पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर हैं केजरीवाल। गारंटी लॉन्च करने के अलावा जनसभा को भी करेंगे संबोधित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसानों को डीजल पर होने वाले खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए इस वर्ष किसानों को 75% अनुदान पर 50,000 और नलकूप कनेक्शन दिए हैं, तथा अगले वर्ष भी इतने ही अनुदान पर 70,000 किसानों को ऐसे नलकूप कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देहरादून के विद्यालय शिक्षा निदेशालय नानूरखेड़ा में विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया। साथ ही प्रदेश के 142 PM श्री स्कूलों व 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रवासों का शिलान्यास भी किया। झारखंड में पश्चिम सिंहभूम जिले के 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों का शिलान्यास भी किया। झारखंड में पश्चिम सिंहभूम जिले के कोल्हान जंगल में नक्सलियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां नक्सली हमले में 2 लोग घायल हो गए हैं। इन दोनों में एक ट्रैक्टर चालक और एक खलासी है, जो CRPF कैंप के लिए राशन पानी लेकर जा रहे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ कृषि भवन की रखी आधारशिला। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों से नए कृषि भवन के निर्माण से जुड़ी जानकारी भी ली। MP के वन रक्षा बलिदानियों के स्वजन के लिए CM शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान।
बलिदानियों के स्वजन को अब मिलेगी 25 लाख रुपए सम्मान निधि। छत्तीसगढ़ को जीतने के लिए भाजपा ने कमर कस ली है, जहां आज से भाजपा राज्य के दो कोनों से परिवर्तन यात्रा को रवाना कर रहे हैं। माना जा रहा है कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में नक्सली भाजपा के लिए चुनौती बन गई है। इसी क्रम में आज गृह मंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर संदेश दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में कालाकोट के बास जंगल में सेना व आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही है, जहां दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। वहीं इस झड़प में सेना के एक जवान के घायल होने की सूचना मिली है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे ने बड़ा बयान दिया है। मनोज जारांगे ने कहा कि वे अनशन खत्म करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार से मांग है कि पहले वह मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करे, इसके बाद ही धरना स्थल को छोड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी को गुजरात में बड़ा झटका लगा है। गुजरात इकाई के पूर्व उपाध्यक्ष और आदिवासी नेता अर्जुन राठवा मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने एक्स हैंडल में लिखा कि 12 और 13 सितंबर को कोटा के लोकार्पण मेरे द्वारा प्रस्तावित थे, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, परंतु अपरिहार्य कारणों से 12 सितंबर के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाऊंगा। 13 सितंबर के कार्यक्रम यथावत रहेंगे। सभी हाड़ौती वासियों को बधाई। अगर आप भी स्किन को स्पॉटलेस और ग्लोइंग रखना चाहते हैं तो घरेलू चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे पर बेसन लगाने से त्वचा चमकदार होती है, साथ ही इसकी रंगत में भी निखार आता है। बेसन का स्क्रब बनाकर फेस पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें तो स्किन चमकदार हो जाती है। ओडिशा के एडेड कॉलेजों में 1065 लेक्चरर पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 10 अक्टूबर तक आधिकारिक वेबसाइट ssbodisha.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे चेहरे पर खुशी ला देता है। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।